हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, ठीक है? तो करंट फीलिंग्स देखेंगे हम कि क्या कुछ रहेगी इनकी करंट फीलिंग्स, आपके पार्टनर के इमोशंस, एनर्जीज, है ना, सारी चीज़ें जो है हम आज के अपनी इस रीडिंग में देखने वाले हैं। सो जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव रीडिंग होगी, आपको पता है। और जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट करती है, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग चैनल के साथ जुड़ते हैं। और जुड़ करके इस जो फैमिली है, ठीक है, इसको आप बड़ा करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। फैमिली बड़ी हो हमारी, और बड़ी हो, और बड़ी हो, और बड़ी हो। तो मैं यही चाहूँगी, आप लोग का सपोर्ट चाहिए बस। तो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग्स क्या हैं, उनके इमोशंस क्या हैं, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस, हर एक चीज़ जो है हम आज के अपनी इस रीडिंग में देखने वाले हैं। सो मेरे साथ आप लोग बने रहिए, जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव रीडिंग होगी और कैंडल वैक्स रीडिंग, ठीक है? कैंडल वैक्स रीडिंग में कैंडल, ठीक है? तो ये हम करने वाले हैं। और ब्रेसलेट की बुकिंग लगातार चल रही है, आप लोग ब्रेसलेट ज़रूर बुक करवाइए जो लोग लेना चाहते हैं। जिनको लगता है कि हाँ उनके पार्टनर के साथ उनको कमिटमेंट चाहिए, तो आप लोग ज़रूर जो है आप लोग लीजिए। बहुत सारे लोगों का रियूनियन हो गया, कमिटमेंट मिल गया, शादी हो रही है कुछ लोगों की, तो जो लोग लेना चाहते हैं वो लोग ले सकते हैं। मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, इसके वजह से मैं आज धीरे धीरे बोल रही हूँ, सो आपको थोड़ा सा मैनेज करना होगा, ठीक है? चलिए करते हैं हीलिंग। हीलिंग करने के दौरान से करेंगे हम रीडिंग को स्टार्ट। तो हीलिंग करने के लिए सबसे पहले मैं इनको हटाऊंगी थोड़ी देर के लिए और इनको रखूंगी सामने, ठीक है? अब करते हैं हम अपनी हीलिंग को स्टार्ट, ओके? शांति, चलिए हो गई हमारी हीलिंग। अब हम करेंगे रीडिंग को स्टार्ट, यानी कि अब आपको अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करना है। पार्टनर के ऊपर फोकस कीजिए, मैं आपकी रीडिंग को कर रही हूँ, ठीक है? मैं कैंडल को जलाती हूँ और आपको अपने पार्टनर के ऊपर पूरा फोकस रखना है, ठीक है? तो आप लोग अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, तब तक मैं कैंडल को जलाती हूँ, ओके? आपके जो पार्टनर हैं, देखिए आपके पार्टनर बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में दिख रहे हैं, बहुत पेन में दिख रहे हैं और बहुत अकेलापन भी फील करते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर आपको लेकर के बहुत, एक जो होता है ना कि बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं ये पर्सन। ये पर्सन की फीलिंग्स में देख पा रही हूँ कि ये पर्सन खत्म करके कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे कि न्यू बिगनिंग करनी है इस पर्सन को, न्यू बिगनिंग करके रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है। बट न्यू बिगनिंग कैसे करें, यहाँ पे ये भी है प्रॉब्लम। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना,
ये पर्सन का किसी फीमेल पर्सन के साथ ऐसा रिलेशन है, ऐसा रिश्ता हो सकता है जिससे ये पर्सन बाहर नहीं निकल पा रहे। कोई फीमेल पर्सन है, इनकी मदर है या जो भी है, बट है काफ़ी कंट्रोलिंग है, मैनिपुलेटिंग है, काफ़ी मैनिपुलेट कर रही हैं आपके खिलाफ, आपके पार्टनर को, और आपके पार्टनर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे ये पर्सन दिख रहा है, दर्द में है, तकलीफ में है, अकेलापन भी है, बहुत कोशिश भी करते हैं ये पर्सन की जो है उस चीज़ से बाहर निकल जाए, वो दर्द से, वो तकलीफ से बाहर निकल जाए, लेकिन ये पर्सन बाहर नहीं निकल पाते हैं। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये पर्सन बहुत प्यार करते हैं, बहुत एक इमोशनली फीलिंग्स हैं आपसे, और इमोशनल अटैच हो करके यहाँ पे फिर भी ये पर्सन जो है ना यहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनका जो है ना वो मैं देख पा रही हूँ, वीकनेस देख पा रही हूँ इस पर्सन की। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा वीक फील करते हुए दिख रहे हैं, और वीक फील करने के दौरान से मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है ना, जैसे कि ये पर्सन कल रात को भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, कल रात भी बहुत ज़्यादा इमोशंस, इनकी फीलिंग जो है ना काफ़ी हाई लेवल की थी। और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना जैसे कि ये पर्सन की तड़प मुझे नज़र आ रही है ज़्यादा, ठीक है, ये पर्सन की तड़प मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे कैसा है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे कि जिस तरीके से तड़प है, जिस तरीके की एनर्जी है, ये पर्सन उससे बाहर कभी नहीं निकल पाएंगे, इनको इस तरीके से फील हो रहा था। ये पर्सन सब कुछ ख़त्म कर देना चाहते हैं, सब कुछ, आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में जो प्रॉब्लम आ रही है ना, तो वो सब कुछ ख़त्म कर देना चाहते हैं, आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम है हर एक चीज़ को ख़त्म कर देना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है जैसे कि ये जो पर्सन है आपके, ये अपने दिल की बातें कहना चाहते हैं। आज जिस दिन आप ये रीडिंग देखोगे उस दिन की मैं बात करूँ तो ये पर्सन अपने दिल की बात कहना चाहते हैं आपसे। ये पर्सन कहना चाहते हैं कि हाँ, ये पर्सन ने गलत किया है आपके साथ, बहुत गलत किया है, ये पर्सन को नहीं करना चाहिए वैसा, वैसी एनर्जी या फिर वैसे वर्ड्स का यूज़ नहीं करना चाहिए जिस तरीके से इस पर्सन ने वर्ड्स का यूज़ किया है। आप चाहते हो कि बदलाव आए इस रिलेशनशिप में, और इस रिलेशनशिप में बदलाव नहीं आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हो आप, लेकिन फिर मैं देखूं तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको जो है ना, ये एक जो होता है ना कि हाईली फील करना, ठीक है, वो फील करते हुए दिख रहे हैं। आपको धोखा देने का अंजाम जो है इनको मिल रहा है, इनको ऐसा फील हो रहा है। कल रात कहीं ना कहीं आप भी परेशान थे और ये भी पर्सन परेशान दिख रहे हैं मुझे। मुझे फ्यूचर को लेकर के ज़्यादा सोचते हुए आप दोनों ही दिख रहे हैं, आप दोनों की एनर्जी ही है फ्यूचर को लेकर के सोचते हुए। ऐसा दिख रहा है जैसे कि जो दिल में है वो बस छुपा के रखे हुए हैं ये पर्सन, और ये पर्सन बता नहीं पा रहे हैं आपको, ये पर्सन नहीं बता पा रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि मैं नहीं बता पाऊंगा, इनको बहुत अकेलापन फील होता है, इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत सारी चीज़ें मैंने हाइड की हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने दिल में छुपा रखी हैं, वो चीज़ें जो है ना मुझे बतानी चाहिए, अपने दिल का दर्द और अपनी तकलीफ जो है ना मुझे बतानी चाहिए। ये पर्सन की फीलिंग्स मुझे यही दिख रही है, कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ना बहुत स्ट्रेस फील करते हुए दिख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं ये पर्सन। और ये जो पर्सन है ना, एक जो होता है ना कि हाँ, इनके दिल में, दिमाग में बहुत ऐसे सिचुएशंस बन रही हैं जो कि ये पर्सन फेस नहीं कर पाएंगे, अगर इनके ऊपर खुद जो है ना ये डाला गया तो ये पर्सन खुद फेस नहीं कर पाएंगे।
किसी ने इनको आपके प्रति भड़काया भी है। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि किसी ने आपके प्रति इस पर्सन को भड़काया है। ऐसा फील होता है कि ये पर्सन जो है ना, आपके साथ जो बिहेवियर कर रहे हैं, जिस तरीके से उखड़े उखड़े रह रहे हैं, ये पर्सन ऐसे ऐसे उखड़े नहीं रहते थे पहले। और ये पर्सन के अंदर काफी कुछ बदलाव आ चुका है, पहले से ज्यादा बहुत कुछ बदलाव आया है। मुझे ये भी दिख रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं, ठीक है, इनका प्यार तो बहुत ज़्यादा है आपको लेकर के, आपके लिए जो है इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, और फीलिंग्स ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पे ये भी है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये फीलिंग्स, ये इमोशंस का ये क्या करे, है ना, क्योंकि ये पर्सन का कहीं ना कहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं इनका मुझे नजर आ रहा है जैसे कि इनका माइंड डिस्टर्ब चल रहा है, और डिस्टर्ब होने की वजह से ये पर्सन कोई एक्शन ही नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन ये पर्सन एक्शन लेना चाह रहे हैं, ये पर्सन आने वाले कुछ समय में एक्शन भी लेंगे, डिसीजन भी लेंगे आपके लिए, क्लियर तरीके से ये पर्सन डिसीजन लेंगे आपके साथ, आपके लिए, आपके जो पार्टनर हैं। मुझे ये पर्सन काफी लॉयल दिख रहे हैं, और लॉयल होने के साथ साथ ये इनका ये भी दिख रहा है कि इनको बेचैनी भी हो रही है आपको लेकर के, बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है, और इनका जो फोकस है बार बार आपके ऊपर जा रहा है। बार बार आपके ऊपर जाने से इनका फोकस जो है ना, थोड़ा सा ये लग रहा है जैसे कि क्या हो रहा है, मुझे क्यों उसकी तरफ जो है ना इतना ज्यादा बेचैन हो रहा हूँ, इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है। पुरानी बातें भी हैं, कुछ पुरानी जगह भी हैं जहाँ पे आप लोग घूमने गए थे, जहाँ पे आप लोग की बहुत सारी यादें हैं, वो भी इस पर्सन को बहुत याद आ रही हैं। ये जो पर्सन है आपके, मुझे यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस में भी दिख रहे हैं, और एज गैप भी हो सकता है आप दोनों के बीच में। आपके पार्टनर आपसे कुछ कहना भी चाहते हैं, जो कि इनके दिल की बात है, जो कि इनके दिल की फीलिंग्स हैं, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, ये अलग की बात है, लेकिन कहना बहुत कुछ चाह रहे हैं। ये पर्सन बहुत कुछ कहना चाहते हैं, दिल खोल के बातें करना चाहते हैं आपसे। अगर आप इनको मौका दें, या फिर आप इनसे पूछें कि हाँ तुम क्या कहना चाहते हो, तो बहुत कुछ कहेंगे भी ये पर्सन। ये पर्सन का ऐसा भी है कि इस पर्सन की एक विश भी है कि आपके साथ जो है ना, इनका कंटिन्यू होना चाहिए रिलेशनशिप, ठीक है, रिलेशनशिप कंटिन्यू होना चाहिए। इस पर्सन की ऐसी भी एनर्जी मुझे फील हो रही है। मुझे ये पर्सन का ऐसा है कि देखो, ये पर्सन को मैं देख पा रही हूँ, जैसे कि होता है ना कि कोई ख्याल नहीं, कोई मन में है ना वो नहीं, जैसे कभी कभी जैसे पागलपन टाइप हो जाता है ना, कि हाँ लोग कुछ समझ नहीं पाते हैं, वैसे वैसे ये पर्सन हो जाते हैं, बिहेव भी करने लगते हैं, क्या बोलते हैं क्या सोचते हैं इनको खुद पता नहीं चलता है कभी कभी। मैं बहुत ही ज्यादा एक जो है ना, इस पर्सन को खाली सा देख पा रही हूँ, खालीपन सा महसूस करते हुए देख पा रही हूँ। बहुत ज्यादा एक जो भागता हुआ सा पर्सन है ना, वो मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन जो है ना बहुत भागते हुए से नजर आ रहा है, जैसे कि जो फीलिंग्स हैं इनके, जो इमोशंस हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं जो थोड़ा सा एक होता है ना कि हाँ इस पर्सन का एक अटैचमेंट होना है ना, तो वो वाली फीलिंग मुझे नजर आ रही है इस पर्सन की। ये पर्सन आपको लेकर के काफ़ी जो है सीरियस हो रहे हैं, और सीरियस होने के दौरान से मुझे नज़र आ रहा है कि आने वाले टाइम में एक्शन लेंगे,
3 घंटे में मुझे इनका 4 घंटे में कॉल मैसेज आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये पर्सन डिस्टर्ब चल रहे हैं। 3 से 4 घंटे में इनका कोई ना कोई एक्शन देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ आपकी रीडिंग में, आपकी एनर्जी के अनुसार से मुझे यही दिख रहा है अभी फिलहाल। तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को खत्म, मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। बाय बाय।